कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चीन के संदर्भ में कही गई राहुल गांधी की सकारात्मक बातों का बीजेपी की तरफ से जमकर विरोध किया गया, लेकिन बीजेपी का यह दांव उसी पर उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि राहुल के बयान पर बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हमलों के जवाब में कांग्रेस ने पीएम मोदी की चीन से जुड़ी प्रेम कथा वायरल कर दी है, जिसके अंतर्गत पीएम मोदी की तमाम तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें वो चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के लिए रेड कार्पेट बिछाते, झूला झूलाते, चाय पिलाते देखे जा रहे हैं। और इसके साथ ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें प्रधानमंत्री चीन से अपने हजारों साल पुराने रिश्ते का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत ने ये वीडियो शेयर करते हुए कहा, चीन मोदी एक प्रेम कथा, सुनिएगा जरूर। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए सुनते हैं मोदी और चीन की मित्रता की कहानी उन्हीं की जबानी। चीन के राष्ट्रपति जब यहाँ आए थे, गुजरात में उनका स्वागत हुआ था, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा और तुम्हारा एक विशेष नाता है। और जब मैं चीन गया, मुझे वो अपने गांव ले गए सियान में, और वो पूरा समय मेरे साथ रहे। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते, भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना है, अब यहां नहीं रहना है। और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रख ही दिया था। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तुम्हारे गांव जाना है, फोन पे कहा पहले दिन। मैंने कहा मेरे गांव जाना है आपको? तो उनको प्रोनाउंसिएशन मालूम था, बोले वडनगर जाना है। बोले मालूम है वडनगर मुझे क्यों जाना है? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। बोले ह्यूएन संग, जो चीनी फिलोसोफर 800,000 साल पहले आया था, बोले वो तुम्हारे गांव में जाके रहा था, और जब भारत से लौटा तो मेरे गांव में आके रहा था। तो बोले हम लोगों का बड़ा जाता है। मुझे ये तो मालूम थे कि ह्यूएन सिंह भारत आए थे, मेरे गांव में रहे थे, उस समय जहां मेरा जन्म हुआ वहां 10,000 बौद्ध भिक्षु की एक ट्रेनिंग सेंटर चलता था, हॉस्टल चलता था पता, और वो सब ह्यूएन सिंह के वर्णन में है। तो बोले इसलिए मुझे गुजरात आना है। फिर डेट उन्होंने तय की, तब मुझे भी मालूम नहीं था कि डेट तय करने के पीछे मेरा जन्मदिन है। फिर वो आए, बाकी तो जो कार्यक्रम था वो हुआ, उसके बाद हम दोनों दिल्ली आए, दिल्ली में मीटिंग हुई। शायद 1962 के बाद चीन के किसी नेता का इतना बड़ा स्वागत उस दिन हुआ।